नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हो रहे होंगे। आपको बता दें तो वही कल से दूसरे चरण का घमासान भी तेज हो जाएगा। कल से अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। कल शाम 4 बजे अमित शाह जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को भीलवाड़ा और कोटा में रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं और आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे जोधपुर में अमित शाह की जनसभा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे उदयपुर में मेगा रोड शो भी होना है। तो दूसरा चरण और कल से जो है घमासान और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। शाम 6 बजे उदयपुर में मेगा रोड शो जो है वो अमित शाह करेंगे। तो कल देखिए 19 अप्रैल और पहले चरण के लिए जो है मतदान, आपको तस्वीर दिखाएंगे। कल सुबह से ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद से ही दूसरे चरण के लिए भी घमासान जोरों पर। कल से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। कल शाम 4 बजे जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे उदयपुर में मेगा रोड शो अमित शाह करने वाले हैं। तो 20 अप्रैल को भीलवाड़ा और कोटा में जनसभा होनी है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह के कल उदयपुर शहर में होने वाले रोड शो को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। अमित शाह के रोड शो की तैयारी को लेकर के एसपी ने योगेश गोयल ने भी तैयारियों का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने बापू बाजार में लगाए जा रहे बैरिकेडिंग की जांच की है। पुलिस के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कल अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत के समर्थन में रोड शो करेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह का रोड शो दिल्ली गेट से शुरू होगा, जो बापू बाजार सूरज पोल होते हुए अस्थल मंदिर पहुंचेगा। यह रोड जो करीब देखिए जो चौक करीब 1 किलोमीटर का ये होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो रहने वाला है उदयपुर से। ये बड़ी जानकारी जहां पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहेंगे। तो ये जो उदयपुर में महामुकाबला वो हम आपको तस्वीर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए ताराचंद्र मीणा और मन्नालाल रावत के बीच में ये मुकाबला होगा और कल अमित शाह रोड शो करेंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मन्नालाल रावत के समर्थन में कल अमित शाह रोड शो करेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, साथ ही कहा कि कांग्रेस का गठबंधन ठग बंधन है, लोग कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस तो अगर कोई चौथा लोग भी आ जाते, कोई वैसे लोग भी आ जाते गठबंधन करने को तैयार होते, उनसे भी गठबंधन कर लेते। कांग्रेस गठबंधन और ठगबंधन दोनों एक है। कांग्रेस को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है। उनका अपने आप में भरोसा नहीं है। जिनका अपने आप में भरोसा नहीं है उनका क्या करेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उनके भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में निवाई से आरएलपी प्रत्याशी रहे बैरवा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी का एक बार फिर से कुनबा बढ़ेगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बैरवा जो है वो पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। निवाई से आरएलपी प्रत्याशी बैरवा रहे हैं। तो प्रहलाद नारायण बैरवा बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि प्रहलाद नारायण बैरवा बीजेपी में शामिल होंगे। निवाई से आरएलपी प्रत्याशी बैरवा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ा है। बुजुर्गों ने करण सिंह के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। करण सिंह और बुजुर्गों के बीच जम करके बहस हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, बुजुर्गों ने करण सिंह के सामने नारे लगाए हैं। अब ये वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। करण सिंह के सामने ही जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये खबर और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। करण सिंह
सिंह जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है हम उसके विरोधी है, जो मुसलमानों के पक्षधर है हम उसके विरोधी है, जो सनातन धर्म के विरोधी है उसके विरोधी है। या तो आप मेरे को राम के बारे में, माँ भगवती के बारे में, जय श्री राम, 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 आप मेरे को। और प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर कल पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि पहले फेज में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज की 10 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि सीकर और नागौर में भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में है। वह इस बार कई ऐसे दिग्गज भी मैदान में हैं जिनके भविष्य का फैसला इस चुनाव में तय होना है। तो कल 19 अप्रैल और पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया हम आपको सुबह से ही दिखाएंगे। राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास और मंजू शर्मा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जयपुर ग्रामीण से अगर हम बात कर ले तो अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह में एकदम जोरदार टक्कर होगी। भरतपुर की अगर हम बात करें तो संजना जाटव और रामस्वरूप कोहली के बीच में जोरदार टक्कर। तो बीजेपी और कांग्रेस ने देखिए जीत का दम भरा है। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चुनावी जनसभा को संबोधित बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे और कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। खबर बूंदी से है जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने मालन मासी बालाजी के दर्शन किए हैं, जिसके बाद एक नुक्कड़ सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गुंजल ने बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला पर निशाना साधा है। उन्होंने अहंकारवास पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के पैरों की जूती समझने वाले बिरला और उनके भाई मुझे क्या मर्यादा सिखाएंगे, ये कहा। पिछले 10 सालों से सांसद बनते आ रहे ओम बिरला द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं करवाए जाने से क्षेत्र के लोगों ने इस बार उन्हें संसद की बजाय उनके घर पर भेजने की तैयारी कर ली। हम इस इलेक्शन को जीत रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी को कोटा बूंदी की जनता ने संसद की जगह शक्तिनगर भेजने का तय कर लिया है। यदि तय क्या, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कोटा शहर के होर्डिंग तो जाके देखो मेरे खिलाफ किस तरीके का दुष्प्रचार सारे शहर में कर रखा है। भाई मर्यादा हमको सिखाएंगे वो लोग, जिन्हें मर्यादा क्या होती है इसकी परिभाषा बता देंगे क्यों? और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 12 के अंत में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने पर प्रदर्शन किया। धरने में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। थाने पर बैठे कार्यकर्ताओं के मुताबिक बर्डिया से लौटते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। झगड़े के दौरान बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा गाड़ी में बैठे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं रोका, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गाली गलौज और हाथापाई का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दी। हम लोग अभी बल्डिया से कुछ नुक्कड़ सभाएं करके लौट रहे थे, रास्ते में फाटक लगी। फाटक पर हमारी गाड़ी जहाँ पर रुकी हुई थी उसके आगे रामेश्वर जी खंडेलवाल, मोहित कालरा, प्रशांत विजयवर्गीय और 10-15 लड़के की गाड़ी भी रुकी। वो जानबूझकर हमारे पास बात करने के बहाने आए। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करो। इतने में वो हाथापाई की स्थिति में आ गए। रामेश्वर जी खंडेलवाल बीच में आए। हम जैसे ही वहाँ से शीश वाली पार्टी मतलब चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे, तो इन लोगों ने, मोहित कालरा ने और रामेश्वर जी खंडेलवाल ने मेरी गिरबान पकड़ के मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और जितेंद्र मीणा सहित इन बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव सुधांश पंत एक्शन मोड में है। आज सुबह 10 बजे मुख्य सचिव सुधांश पंत विद्युत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने INS नथमल डिटेल को देर से दफ्तर आने पर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि स्कूल में भी टाइम से जाते थे या लेट, ये सवाल उन्होंने किए हैं। जयपुर से ये जानकारी, जहां पर देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य सचिव सुधांश पंत औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और IAS नथवल को जम करके उन्होंने फटकार लगाई है। देर से दफ्तर आने पर यह फटकार लगाई गई है।
आज करीब एक घंटे में विद्युत भवन में रहा, 9:15 से लेके करीब 10:15 सुबह तक। तो अभी यहाँ सुधार की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है, उनको हिदायत दी है, एमडी साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की। और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 19 घंटे 20 घंटे जिनका एवरेज है, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने का।